नमस्कार, स्वागत है किशन बानी आप सभी के। सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ बाबा जुड़ रहे हैं। बाबा इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वीना सिनेमा हॉल में जो फिल्मों की सुगबुगाहट है, गर्माहट है, वह तेज़ हो गई है। पीछे की पोस्टर देख रहे होंगे, इधर खेसारी लाल यादव जी, मेघा श्री, इधर पूजा गांगुली, और धमाका होने वाला है इस होली। जी हाँ, हमारे साथ बाबा हैं। बाबा से जुड़ते हैं, पूछते हैं कितना मज़ा आने वाला है, बाबा कितने तैयार हैं फरिश्ता को लेकर। बाबा सबसे पहले बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, और दर्शक लोग को भी नमस्कार होली के शुभ अवसर पर। मैं जी कितना खुश हैं बाबा, बहुत दिन के बाद कोई बड़ा पिक्चर है जो बॉक्स ऑफिस पर आ रहा है। देखिए, पिक्चर तो बहुत बड़ी है, ऐसी फरिश्ता नाम भी है और काम भी किया है फरिश्ता वाला, इसमें कोई दो मत नहीं है। पिक्चर बहुत अच्छी बनाया है, देखने के बाद समझ में आता है ऐसे तो। इनका संघर्ष भी बहुत सुपर डुपर हिट है जी जी, लेकिन ये भी पिक्चर अपने आप में कोई कम नहीं है। सब जगह से बहुत अच्छा, मतलब कि दिखाया गया है, दर्शाया गया है, दिखाया गया है, लाइट साउंड सब चीज़, इसका एक्शन मारपीट सब चीज़ जो है, एक बेटा बाप से माँ से कैसे मिला जाता है, कैसे रहा जाता है, गरीबी हालत में गुजर करके अपने सीढ़ी पर कैसे मकाम ठहरा करता है, वो सब दर्शाया गया इसमें। टेलर देखा आपने इसका? टेलर देखा, हमको बहुत अच्छा लगा। वो पागल वाला रोल पसंद आया आपको जिसमें खेसारी जी? बिल्कुल हाँ हाँ, वो भी बहुत पसंद आया हमको, अब बहुत अच्छा लगा है। होली के बाद यानी कि एक दिन बाद 8 तारीख को होली है और 9 तारीख को रिलीज। 8 तारीख से रिलीज है ये पिक्चर जी जी, लेकिन 9 तारीख से जो है ना सो हम लोग लगा रहे हैं, चलेगा। 8 तारीख को इवनिंग शो से हम सिनेमा हॉल खोल के रखेंगे। 8 तारीख को इवनिंग में ही लग जाएगी? इवनिंग में ही लग जाएगी। ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो 9 तारीख से तो कन्फर्म है ये है, 8 तारीख इवनिंग और नाइट शो 200 चलाएंगे हम। दर्शकों को बता दूं जो काफ़ी एक्साइटेड हैं खेसारी लाल जी की फिल्म फरिश्ता को लेकर, तो जो एक्सक्लूसिव अपडेट है वह बहुत सारी थिएटरों में 8 तारीख को लग रही है, लेकिन वीना सिनेमा हॉल में उस दिन होली का माहौल है। और बिहार में आप जानते हैं कि जब रंग गुलाल उड़ते हैं और साथ ही साथ जब उसका एक अलग सा माहौल बनता है तो लोगों के पास थोड़ा टाइम एंटिसिपेट करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप वीना सिनेमा हॉल में 8 तारीख को शाम वाली शो यानी कि इवनिंग 6 बजे वाली शो देख सकते हैं। अगर उस दिन भैया पूरे मस्त मौले हैं तो अगले दिन आइए 9 तारीख को। 9 तारीख को सुबह से बाहें खोल के वीना सिनेमा हॉल तैयार लगा रहे हैं जी। इसको 400 में लगा रहे हैं, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे। सुबह वाली शो क्यों गैप कर दिए? सुबह शो गैप इसलिए कर दिए कि मॉर्निंग शो दूसरा पिक्चर लगा रहे हैं। आप रंग गुलाल लगा के रहेंगे उस दिन? अरे तो 8 तारीख को तो सभी कोई लगाएंगे, दर्शक लोग को भी लगाने का मौका मिलेगा जी। लेकिन ये पिक्चर 9 तारीख से आके देखिए, 8 तारीख से तो कोई मजा नहीं आएगा, खास करके 9 तारीख से। 9 तारीख से एकदम पूरा मजा देने का? हाँ, मजा देगी, 400 में चलेगी हमारे यहाँ। और दर्शक लोग भी आ रहे हैं, सवाल पर सवाल कर रहे हैं कब लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, तो हम लोग 9 तारीख के डेट दे रहे हैं जो 9 तारीख से चलाएंगे। ओके, 8 तारीख को होली है तो होली के रोज मान के चलिए ऐसे हम सिनेमा बंद रखते हैं, 200-300 बंद रखते हैं सिनेमा, उस दिन कचरा बहुत होता है इसीलिए। तो 6 बजे से चलने का चांस रहेगा, तो 6 बजे से दर्शक लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं इसको 8 तारीख को। ऐसे 9 तारीख से 400 में चलेगी जी जी। बाबा साथ ही साथ संघर्ष 2 की भी बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी बहुत जल्द सिनेमा घर में दस्तक देने वाला है, क्या एक्सक्लूसिव अपडेट आपके पास कुछ है? अभी तक तो भोजपुरी में इतना लागत का पिक्चर नहीं बना है जी। जो कहने का मतलब है, वो पिक्चर देखने के बाद लगता है जो साउथ का पिक्चर देख रहे हैं जी। बिल्कुल, बहुत मतलब कि अभी तक भोजपुरी में वैसा पिक्चर नहीं बना है जो दिखाया गया है, दर्शाया गया। हम लोग तो ट्रेलर से पता लगा लेते हैं, तभी तक उतना लागत का भोजपुरी पिक्चर न बना है, और आगे जो हो कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत मस्त पिक्चर है। उसका छोटा सा टीजर था, वो देखा था आपने? हम देखे थे। कैसा लगा एकदम? वो एकदम बहुत जहाज वाला जो सीन है, पानी वाला, वो सब दिखाया है जी, बहुत अच्छा लगा है जी जी। क्या कुछ अपडेट है आपके पास, कब तक सिनेमा घर में आएगी? अभी तो रिलीज होने में उसका टाइम है, जब रिलीज होगी उसके बाद अपडेट देंगे, अभी नहीं दे सकते, लेकिन पिक्चर बहुत मस्त है। बाबा होली नज़दीक है तो कुछ होली का वो गान वान जो मैं चाहूँगा कि कुछ एकाध लाइन हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाइए, आप काफ़ी थिएटर में बैठे तो रहते हैं। हो गए हम नहीं दर्शाएं, दिल हमेशा जवान रहता है तो दिल तो जवान है, वही कहा जाता है कि रंग बरसे भीजे चुनर वाली, रंग बरसे वाली बात है, तो दिल में तो सबको दर्शक रहता है, होली का पर्व आ रहा है। बिल्कुल, तो होली मनाने के लिए तो सब उत्सुक रहते हैं, जहाँ फला दिन होली है उत्सुक मनाना है, हमें भी रंग अबीर से स्वागत करना है, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना है, सारा गिला शिकवा भुला करके उस दिन गले में गले मिलने का दिन है जी। तो उसी तरह हम लोग प्रोग्राम मनाएंगे जी।
खेसारी लाल जी को अवार्ड मिला, गोविंदा जी के साथ डांस और जबरदस्त कोलकाता में काफी वायरल है, लोग देख रहे हैं, आपने देखा नहीं देखा? हम देखे डांस गोविंदा जी को भी, खेसारी लाल जी को भी जी। बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत दोनों मिल करके जो है ना बहुत रोमांस किए हैं जी जी। कितना अच्छा लगा कि भोजपुरी धीरे धीरे काफी अच्छे प्लेटफॉर्म पे बढ़ रही है, बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, आपको विदेश तक में चर्चा चला गया है भोजपुरी का, अभी विदेश में भी इसका नाम चर्चा हो रहा है, और ये आपका संघर्ष जो आ रहा है इससे पूरा फेमस हो जाएगा आपका पिक्चर विदेश में भी। जाते जाते फरिश्ता को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आते हैं देखने? इसके लेकर के कहेंगे जो आइए और देखिए, ये पिक्चर इतनी अच्छी है कि एक बार आप देखने के बाद दोबारा जरूर देखेंगे इसको। चलिए धन्यवाद बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भैया दिल खोल के तैयार हो जाइए, रंग गुलाल उड़ा लीजिए, अगर शाम वाली टाइम मिल जाएगी यानी 8 तारीख को अगर आपके पास टाइम होगा तो शाम 6 बजे आ जाइएगा, और ना उस दिन पूरे रंग गुलाल मदमस्त होकर अपने दोस्तों की टोली में ही अगर उधर मशगूल रहेंगे तो अगले दिन आइए 9 तारीख को 12 बजे से जो शो है 400 में लगाई जा रही है वीना सिनेमा हॉल में, और पिक्चर तो काफ़ी दमदार है, टीजर देखा है, लगातार इसकी कॉन्फ्रेंस भी हुई है, अब बाकी है 9 तारीख को थिएटर आने का। आइएगा हम भी आएंगे, एक्सक्लूसिव अपडेट देंगे और बताएंगे आपका हालचाल और वीना सिनेमा हॉल में किस कदर फिल्म की खुमारी है। नमस्कार।